अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग जा रहे हैं हमारे पुरानी चाली में, जहाँ पे हम लोग रेंट हाउस पे रहते थे। तो वो चाली में जा रहे हैं हम लोग, वहाँ के लोगों से मिलने। भाई तुम्हारी बुलेट तो उतरो उतरो, चल आरागने दीदी के घर पर चल। बहुत गंदा निशान आता है, पागल गाड़ी भी ना। तो फिर हम लोग को और कुछ नहीं दूंगी। मैम तो घर पे भी नहीं बुला रहे हो हम लोग को, घर पे तो इनवाइट करना चाहिए ना। बिरयानी लाओगी तो बोल। इतनी भैया, अच्छा कितनी बिरयानी लाओगी? इतनी। और आइसक्रीम? आइसक्रीम मैं इतनी आइसक्रीम भी लाऊंगी, इतनी बिरयानी भी लाऊंगी, इतनी बिरयानी लाऊंगी और इतनी आइसक्रीम लाऊंगी। अब कभी आओगी? कल। कल हम कल दूसरे वाले दिन। तो अभी हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि मैं अभी जहाँ पे बैठी थी जो वहाँ बात कर रही थी, वो चाली में थे हम लोग। तो काफ़ी लोगों से मिले हम लोग और अच्छा लगा बहुत दिनों बाद उन लोग से मिल के। बट यहाँ पे ना आप लोग देख रहे होंगे मेरे फेस पे ना काफ़ी सारा मेकअप है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ऐसे में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है और यहाँ पे मेरे पास मास्क है, लेकिन मैं अपना मेकअप दिखाने के लिए मास्क निकाली हूँ। और कि हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, बहुत अजीब लग रहा था, फेस पे मेकअप है, लेकिन क्या करेंगे, इमरजेंसी में जा रहे हैं। देख सकते हैं आगे आप बाइक पे रियाज और मेरा दूसरा भाई भी है, और रिक्शा में शेरू है, अम्मी है, पूरी फैमिली एक साथ गई है। तो हॉस्पिटल क्यों गए मैं बताती हूँ आप लोगों को। आप लोग जानते हैं मेरे मामी मामू को मैं अपने ब्लॉग में दिखाती थी, तो मेरी मुमानी जो है ना वो एडमिट है। तो हम लोग को आज ही पता चला अभी, यानी कि हम लोग को कुछ 15-20 मिनट पहले पता चला कि वो एडमिट है। थोड़ा क्रिटिकल है, सीरियस कंडीशन है, क्या हुआ एग्जैक्टली मैं आप लोगों को नहीं बता सकती, बस मैं यही बता सकती हूँ उनसे मिलने के लिए हम आए हैं। तो हम लोग आए हैं ज़रा अभी हॉस्पिटल के बाहर, ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। स्पेशली मामू ने बोला है बोलने के लिए, इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज उन्होंने पहले ही मना किया था। आप लोगों को पता है इतने दिन से मामू लोग वीडियो में नहीं आते, क्योंकि वो लोग अब नहीं चाहते वीडियो में आना, लेकिन फिर भी एक अपडेट मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि अब सच में बेशुमार दुआ की दरख्वास्त है। मामू ने स्पेशली बोला मामी के लिए दुआ करो, मामी एडमिट हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ आप लोग दुआ कीजिए। सच्ची में दुआ की बेशुमार दरख्वास्त। बस लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगी, ये मत बोलना दिखाओ मिलाओ, क्योंकि उन लोग कैमरे पर नहीं आ सकते। क्लियर बोल रही हूँ मैं आप लोगों को, बिल्कुल आप लोग बुरा नहीं मानना, ये मामू और मोमानी खुद और उनकी पूरी फैमिली चाहती है कि उनको वीडियो में ना लिया जाए, ओके। लेकिन हाँ मैं आप लोगों से दिल से चाहती हूँ और दिल से बोल रही हूँ कि मेरी मामी का नाम लेके दुआ करना। मेरी मोमानी का नाम है रिहाना शेख, ठीक है, प्लीज़ उनका नाम लेके दुआ करना कि उनकी जो भी तबीयत ख़राब है, जो भी उनको हुआ है, जल्दी से जल्दी अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मेरा ब्लॉग चैनल है नाजिया शेख, इंडियन ब्लॉगर के नाम से। काफी अंदर अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं यहाँ से, पैकअप करेंगे, जा रहे हैं हम लोग यहाँ से, राइट, क्योंकि उज़मा अभी घर पे है। अरे बल्लू का क्या हाल है, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे तो मैंने बल्लू को आज है ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा आधे एक घंटा ज्यादा रहने वाले थे बाहर, बोल के बाथरूम को अच्छे से क्लीन किए, बाथरूम के अंदर कपड़ा बिछाए, बाथरूम बोले तो टॉयलेट, और उसको अच्छे से सुखा उखा के उसको वहाँ छोड़ के आए। पहले ही अच्छे से खाना वाना खिला दिए थे कि हम लोग आ रहे बच्चे एक घंटे में, ये बोल के उसको बात करके आए थे, लेकिन बाहर घर से बाहर से बाहर ही हम लोग यहाँ आ गए। अब पता नहीं उसने कितना चिल्ला चिल्ला के आतंक मचाया होगा मोरी में, मतलब टॉयलेट में, खिड़की के बाहर तक आवाज़ गई होंगी उसकी, है ना, कितना चिल्ला रहा होगा। और अभी 10 बजने आ रहा, अपन घर से कितने बजे निकले थे, 7 बजे के आस, तो 6:30 के, हाँ हम लोग घर से वहाँ पे थे, अपने जूने पौने 8 बजे अपन रागनी की मम्मी के घर पे थे, जब मुझे फोन, 7:30 बजे अपन मम्मी यहाँ पहुँच गए थे, 7:30 बजे, हाँ
तो 7:45 फिर मुझे कॉल आया उंगरिया आज का क्या ऐसा ऐसा करके। हाँ, तो 7:45 मुझे कॉल आया था, तो मैं अम्मी के इधर गई, उज्मा को छोड़ी और फिर यहाँ आई, तो ऐसा है। तो अब हम जा रहे हैं घर पे। अम्मी, रियाज और शेरू रिक्शा से गए हैं और मैं और बाबू बाइक से आए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोग किसी और के घर पे बैठे थे, किसी और से मिलने गए थे और हॉस्पिटल जाना था, तो उज्मा को नानी के इधर छोड़ के गए थे। तो वहाँ से उज्मा को लेंगे, अब जाएंगे फिर घर पे। क्या करूँ बेटा? जोर से, जोर से, जोर से बोलो। बस ना रे, कोई बात नहीं। मेरे हाफ तंदूरी डबल मसाला, हाफ तंदूरी डबल मैं लेने के लिए आ रहा हूँ। सो फाइनली आ गए हम लोग घर पे, बज रहे 12:15। वो तो शुक्र है अल्लाह का कि मैंने ना आज ना खाना दोपहर में ही दोनों टाइम का बना दिया। सब नॉर्मली नहीं होता, आप लोग अच्छे से जानते हैं, मैं दोपहर में हल्का फुल्का ही कुछ बनाती हूँ और शाम में कुछ मसालेदार जब भी मन करता है तो बनाती हूँ। लेकिन आज मैंने दोनों वक्त का, पता नहीं दिमाग में ऐसा क्या आया कि मैंने दोनों वक्त का बनाया खाना, अच्छा ही हुआ जो हुआ। चलो खैर, और आ गए हम लोग घर पे। पहले सबसे पहले मैंने अपना मेकअप उतारा, बहुत गंदी लग रही थी मैं। एक्चुअली मेकअप मैंने इसलिए किया था कि चल भाई, बहुत दिन से कहीं बाहर गए नहीं अपन, वो घर के पास नहीं गए, जब से घर छोड़ी हूँ जाके आती, ज़रा अच्छे से एक फ्रेश लुक के साथ जाके आऊँगी। फ्रेश लुक तो बना लिया मैंने मेकअप करके, वहाँ ज़्यादा बैठी नहीं है मैं, आधे घंटे मुश्किल से गली में थी। और जैसे ही रियाज का फ़ोन आया वैसे ही मैं अम्मी के इधर गई। एक्चुअली जाना अम्मी के इधर था ही, गैस की बुक लेके जाना था, कुछ काम था गैस रिलेटेड, अम्मी से बात करनी थी, बट मुझे कॉल आया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर जाके आ ही गए फाइनली, तो ऐसा है। वालेकुम सलाम। अच्छा वालेकुम, तो ऐसा है बस। अभी ये व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ। व्हाट, दूध और चिकन मंगाया था यार, चिकन तंदूरी खाने का मन कर गया मेरा। आते समय पे दिखाई ना आप लोगों को 4 सेकंड की क्लिप, तो देख के मन कर गया, तो मैं बोली चलो बाबू ले आ जाओ खा लेते। वैसे तो अंडे 4-4 है घर में सालन में, लेकिन फिर भी मन कर गया चिकन खाने का, तो मेरे लेकर आ जाओ। तो ऐसे खैर, प्लीज़ आप लोग है ना ज़रूर से दुआ करना मेरी मानी के लिए कि वो जो भी उनको तकलीफ है, जो भी तबीयत उनकी ख़राब है, अल्लाह जल्दी से जल्दी शिफा दे उनको, जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर पाए। बस आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी दुआ करना उनके लिए, आप लोगों की दुआ में तासीर होती है, ना जाने अल्लाह किसकी दुआ कबूल कर ले। और कई बार आप लोगों की दुआ हमें लगी है, पता नहीं किसकी लगती है आप लोगों में से, लेकिन मैं हर बार आप लोगों को बोलती हूँ कि प्लीज़ हमारे लिए दुआ करना, हम लोगों को दुआ में शामिल रखना, और हम भी आप लोगों को अपनी दुआ में हमेशा शामिल रखते हैं। तो ऐसा है, तो बस ये वीडियो को यहीं करती हूँ एंड। आप लोग अपना ख्याल रखना और दुआ में याद रखना। बाय। के बेशुमार दरख्वास्त घुमाने के लिए बोली मैंने, बस खाली एक ही चीज़ मत बोलना कि उनको वीडियो में दिखाओ, उनके बारे में ज़्यादा बात करो। नहीं पसंद मेरे मामों के घर वालों को, जब तक आए यूट्यूब पे तब तक आए, अब नहीं आते हज के बाद। हज के बाद वो यूट्यूब पे आना मना कर दिए, सीधी बात, अच्छी बात है नहीं आना है तो अच्छी बात है। लेकिन आज उन्होंने खुद ही ने बोला कि आप लोगों को बोलूं कि आप लोग उनको, उनके लिए दुआ करें, तो मैंने आप लोगों को बोल दिया। तो ऐसा है, चलिए लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।